समय साथ मौजूद है मुकेश बागर जी। मुकेश जी, आज एक आरोप लगाया गया है बीएसपी से कांग्रेस में विधायकों के द्वारा, गद्दार कहा गया है। अब तो ऐसे शब्दों का उपयोग तो हमने, हमारे नेता ने कभी किया नहीं, और जैसी भाषा उन्होंने बोली है वो लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। और कल तक जिनके सुर बदले हुए थे, जो आराम से बात को रख रहे थे, आज अचानक इतनी ताकत कहाँ से आई? किन लोगों के कहने पर पार्टी को तोड़ने वाला काम उन्होंने किया है? उनकी भाषा से तो ये लगता है कि हम 19 को सस्पेंड कर देना चाहिए पार्टी से, और हमें लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए, और उन लोगों को सब कुछ पकड़ा दो। तो हम भी ये कह रहे हैं कि वो 6 लोगों ने पार्टी को बचाया है, कांग्रेस को बचाया है, सरकार को बचाया है, उन्हें 6 के 6 को मंत्री बना दो। लेकिन जिस तरीके की भाषा बोली गई, हमने इससे पहले किसी विधायक के खिलाफ नहीं बोली। क्यों वो इतना तेज में आकर बोले हैं, वो तो वही बता सकते हैं। एक आरोप और लगाया गया है, जैसा आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपके घर की रेकी कराई जा रही है, कुछ लोग वहाँ बाहर खड़े रहे हैं, क्या मामला है? खुलेआम ये बात है, वेद जी ने रखी, उस बात से मैं अपने प्रूफ के साथ बात रख रहा हूँ कि मेरे घर के बाहर बाइक पे 2 लोग थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ क्यों सुबह से आप घूम रहे हो, क्या किसी से मिलना है क्या? तो बोले हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इतना कहा उन्होंने। मैं और बात उनसे करता, उससे पहले उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और निकल गए। दोबारा अगर वो मुझे मिलेंगे या मिलते तो मैं पुलिस में भी कंप्लेन करूंगा और मीडिया को भी बुलाऊंगा। एक बात और आपने कही कि अधिकारियों के आप बोलते हैं, काम की बोलते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहे, और आरएसएस वगैरह दूसरे संघ उनके काम हो रहे हैं। हाँ, खुलेआम हो रहे हैं। एसपी कलेक्टर अगर जिस तरीके का उनका बर्ताव है जिले में, सुनवाई नहीं होगी छोटे छोटे कामों के लिए, अगर वो ये कहेंगे कि आप इस तरह से काम करो, अगर वो हमें बताएंगे कि कैसे राजनीति करनी है, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और कैसे जनता की बात उठ पाएगी? 11 महीने पहले एक सियासी घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से अभी तक आप लोगों का संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, जारी है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब कुछ लोगों के किस्मत में और संघर्ष आता है, और हम लोग उससे खुश हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें सत्ता चाहिए, मलाई चाहिए, हम लोग उससे खुश हैं और लड़ेंगे। पीछे लड़े 7.5 साल हो गए, आगे और उससे पहले यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, यूथ कांग्रेस में, NHUI में लाठियां खा के सड़कों पर लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुँचे, और आगे भी ये जारी रहेगा। और हमने आज तक जो विरोध किया, खिलाफत करी, वो हमने बीजेपी के खिलाफ करी, ना कि हमने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करी, और वो लगातार जारी रहेगा। तो ये था हमारे साथ मुकेश बाकर जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो विधायक है उनके काम नहीं हो पा रहे, लेकिन जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके काम आराम से हो पा रहे हैं, और जो इनके पीछे भी कई लोग जो राखी के लिए लगा रखे हैं। जयपुर से करण तिवारी, ETV भारत।